नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों। भारत समेत अन्य देशों के लोगों के लिए ब्रिटेन में लंबे समय तक रहना काफी महंगा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए रकम की व्यवस्था करने के लिए अप्रवासियों के लिए वीजा आवेदन पर लगने वाले इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को बढ़ाने का फैसला किया गया है। गुजरात में आज से G20 की बैठक का आगाज हो रहा है। इस G20 की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्य के वित्त मंत्रियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान गवर्नर, डिप्टी गवर्नरों समेत 66 प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगेगा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होंगी। ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। रसोई से इन दिनों टमाटर गायब होता नजर आ रहा है। वजह है आसमान छूती कीमतें। कई शहरों में इस समय टमाटर 150 से 200 रुपये प्रति किलो में मिल रहा है। टमाटर की इन ऊंची कीमतों से परेशान ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार सस्ती कीमतों पर लोगों को टमाटर उपलब्ध कराएगी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शुक्रवार से दिल्ली NCR में 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। ये टमाटर मोबाइल वैन के जरिए बेचे जाएंगे। टॉप सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। महंगाई की मार झेल रहे भारत के लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। देश में खाद्यान्न को लेकर एक बड़ी खबर चावल से जुड़ी हुई है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत गैर बासमती चावल से एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। अलिनो इफेक्ट को देखते हुए भारत एक्सपोर्ट बैन पर विचार कर रहा है। दरअसल चावल का उत्पादन कम होने की वजह से कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसमें मुद्रा स्फीति दर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन से देश में कीमतों पर नियंत्रण तो हो जाएगा, लेकिन वैश्विक रूप से पहले से ही चावल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अगर बैन लागू किया गया तो दुनिया में चावल की कीमतों में तेजी से वृद्धि भी होगी। अब सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने से पहले ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 65 हो सकती है। पबजी के प्रेम जाल में अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सरकार की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से खबर को प्रमाणित करने और सीमा की सलामती के बारे में जानकारी देने को कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी अनुरोध किया है कि सीमा को तत्काल आधार पर राजनयिक पहुंच भी दी जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई चैंपियनशिप की पदक विजेताओं सहित कई महिला पहलवानों ने प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों को छूट दिए जाने की खबरों के बीच भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ को चलाने वाले तदर्थ पैनल को पत्र लिखकर एशियाई खेलों के लिए निष्पक्ष ट्रायल्स कराने की मांग की है। रोहतक के सर छोटू राम अखाड़े की 24 महिला पहलवानों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह 2 चरण के ट्रायल या प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिलने वाली छूट को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर फिर सवाल उठाया है कि यह संस्था दुनिया के लिए बोलने का दावा कैसे कर सकती है, जब सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपना उचित स्थान फिर से हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता का नहीं है। वैश्विक दक्षिण के अधिकारों को लंबे समय से नकारा गया, इससे इन देशों के लोगों के मन में गुस्सा है। भारत वैश्विक दक्षिण और पश्चिमी दुनिया के बीच सेतु की भूमिका में है। दूध और दही सहित सभी डेयरी उत्पादों की कीमतें बढ़ने के बाद घी और मक्खन के दाम भी आसमान छूने लगे। सरकार जल्द इन दोनों उत्पादों के दाम घटाने की तैयारी में। माना जा रहा है कि घी और मक्खन पर GST की दर करीब 7% घटाई जा सकती है। इसके बाद दोनों उत्पादों के दाम कम हो जाएंगे। 26 राफेल समुद्री विमानों के लिए फ्रांसीसी प्रस्ताव के अनुसार उनकी नौसेना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण के लिए अपने 2 से 4 समुद्री लड़ाकू विमान भारतीय सेना को प्रदान करेगी। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के अनुसार फ्रांसीसी नौसेना अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 6 महीने के भीतर अपने 2 से 4 राफेल समुद्री विमान उपलब्ध कराएगी, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए पहला विमान 36 महीने के बाद ही वितरित किया जाएगा। ट्विटर को एक तरफ जहां थ्रेड से टफ कंपटीशन मिल रहा है, तो वही दूसरी तरफ एलन मस्क लगातार ऐप को बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्विटर के CEO लिंडा याकिरिनो ने ये जानकारी शेयर की थी कि ट्विटर पर फरवरी के बाद से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पिछले हफ्ते दर्ज किया गया। इस बीच ये खबर सामने आई कि जल्द मस्क ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए कुछ और फीचर्स रोल आउट कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ट्विटर ब्लू यूजर्स को लाइक टाइमलाइन को हाइड और सब्सक्राइबर्स लिस्ट को छिपाने का ऑप्शन दे सकते हैं। देश में करीब 72% जिले अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन उनमें से केवल 25% में ही स्तर के बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र या पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं। एक नई रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना के उफान पर आने से दिल्ली भीषण बाढ़ की चपेट में है। यह अत्यधिक बाढ़ के संपर्क में और EWS के जरिए इसमें
मध्यम स्तर का लचीलापन है। भारत में 66% व्यक्ति अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के संपर्क में, हालांकि उनमें से केवल 33% ही बाढ़ की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा कवर किए गए। इसके अलावा 25% भारतीय आबादी चक्रवातों और उनके प्रभावों के संपर्क में है। हालांकि चक्रवात की चेतावनी 100% आबादी के लिए उपलब्ध है। जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% पर लगाने के फैसले से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2-3% दर से जीएसटी का भुगतान कर रहा है या खान पान की वस्तुओं पर लगने वाले 5% कर से भी कम है, जिसका उपभोग आम आदमी करता है। फ्रांस के अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पेरिस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 और G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरा G20 समूह भारत की क्षमता देख रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की हमेशा से बुरी नजर रही है। एक तरफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर कूटनीतिक पैतरे भी आजमाता रहता है। चीन के इन प्रयासों को अमेरिका से तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को भारतीय पीएम को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट किया, विश्व इतिहास में एक विशालकाय भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश, रणनीतिक साझेदार, मित्र, इस साल की 14 जुलाई की परेड के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा को कम करने पर बड़ी बात कही। अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर अफसोस जाहिर किया है, जहां पीड़ितों के किशोरों होने और सहमति से संबंध बनाने की जानकारी देने के बावजूद आरोपियों को दंडित किया जाता है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि फ्रांस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। जानकारी दे दें कि इससे पहले फ्रांस में मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए 2 साल का वर्क वीजा था। पीएम मोदी ने पेरिस के लिए सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, पहले फ्रांस भारतीय छात्रों को 2 साल का पोस्ट स्टडी वीजा देता था, अब 5 साल का पोस्ट स्टडी वीजा वर्क वीजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बीच फ्रांस में ही यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह भारत के आंतरिक मामलों में दखल है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूरोपीय संसद ने गुरुवार को भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मणिपुर में हाल ही में झड़पों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस सप्ताह के शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग जैसे खेल पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। इसकी घोषणा के साथ इंडस्ट्री में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, साथ ही यूजर के मन में भी गेम पर टैक्स लगाने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर जब राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी सवालों और मुद्दों को जल्द साफ किया जाएगा। मानसून सत्र में हम संसद में जीएसटी कानून में बदलाव को लेकर एक बिल लाने वाले हैं, जिसमें सब कुछ स्पष्ट करा दिया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का आधिकारिक दर्जा माउंट एवरेस्ट के पास ही है, लेकिन हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने एक नया दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट अब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक अमेरिका के हवाई में स्थित सुप्त ज्वालामुखी मौना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI भुगतान तंत्र का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं और इसकी शुरुआत प्रतिष्ठित एफिल टावर से होगी। सीन नदी के एक द्वीप पर एक प्रदर्शन कला केंद्र ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस में भारतीय पर्यटक अब रुपये में भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है, यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति और ताकत भी। उन्होंने कहा कि भारत का हजारों वर्ष का पुराना इतिहास, भारत का अनुभव, विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2 सहकारी बैंक को कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। दोनों बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी। RBI के बयान में कहा गया है कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के मामले में बैंक कारोबार के बंद होने का आदेश 11 जुलाई 2023 से ही प्रभावी हो गया है। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा, गांधी मैदान में एक सभा की
अनुमति दी गई थी, लेकिन मार्च निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद मार्च निकाला गया। जब पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बैरिकेड्स को नष्ट कर दिया, पुलिस कर्मियों पर मिर्च छिड़क दी और पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। देश के कई राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए। बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इस बदहाली के लिए एक दूसरे को दोष दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने इसे लेकर दोनों ही दलों पर निशाना साधा है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें कई दशकों पहले की दिल्ली और आज की पानी से भरी दिल्ली की तस्वीरें दिखाई गई हैं। कांग्रेस ने ये तस्वीर शेयर कर बीजेपी और आप पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस हमें इतिहास में ले जाना चाहता है, इसलिए मोदी ने केजरीवाल के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को आरएसएस की मुख्य यूनिट और आम आदमी पार्टी को आरएसएस की आंतरिक यूनिट भी कहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्रवार को यहां LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान का प्रक्षेपण किया है। इसके कुछ मिनटों बाद तमाम चरणों को पार करते हुए चंद्रयान कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसकी पुष्टि इसरो की तरफ से की गई है। सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री अल इस्सा ने आतंकी संगठनों की आलोचना करते हुए कहा है कि आतंकी संगठन धर्म की छवि खराब करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लाम और आतंकवाद का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आतंकी संगठन अपने अलावे किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इनका कोई धर्म या देश नहीं है। हम इन विचारों का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं और दुनिया के सामने सच्चाई पेश करते हैं। भारत आज अपने ऐतिहासिक मून मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा आज दोपहर 2:35 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को भेजा गया, लेकिन इसी बीच चीन ने अपने नए चंद्रमा मिशन की घोषणा कर दी है। चीन ने कहा है कि वो साल 2030 में चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बढ़ती महंगाई पर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।